गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, आपने 1.A एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.B। इसमें हम समझेंगे कि हमें एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो सबसे पहले 1.B एक्सरसाइज में हमें अबैकस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अबैकस क्या है? अबैकस इज एन इंस्ट्रूमेंट जिस पे एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है एंड ऐसे उसमें स्टैंड्स होते हैं, लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, और इसी में हमें बीट्स डाल के नंबर्स डिफाइन करने होते हैं। लाइक सपोज आप कोई सा भी नंबर ले लें तो आपको पता है इसके अंदर प्लेसेस होती हैं, विच इज़ कॉल्ड द प्लेस वैल्यूज। वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है और 10,000 प्लेस है। दैट मीन्स 6 वंस की प्लेस पे, 5 टेंस की प्लेस पे मतलब 50, 700 की प्लेस में मतलब 700, 8 टेंस की प्लेस 1000 की प्लेस में 8000 एंड 7 10,000 की प्लेस में विच इज़ 70,000। इस तरह से एक पूरा नंबर डिफाइन होता है। लेकिन वही चीज़ सिमिलरली वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 अबैकस में भी होती है। जैसे कि अगर ये 5 आपको रॉड्स दी हुई हैं तो उसके अंदर पहली वंस प्लेस पे आएगी, सेकेंड में टेंस प्लेस, थर्ड में हंड्रेड्स, फोर्थ में 1,000 एंड फिफ्थ में 10,000। दिस इज द प्लेसेस ऑफ रॉड्स इन अबैकस। ओके, इस तरह से प्लेस होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 जैसे नंबर में होता है। ओके, अब हम इसमें करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अबैकस दिया हुआ है, एक अबैकस में बीट्स दिए हुए हैं, उसमें देखेंगे अलग 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 रॉड्स में अलग अलग डॉट्स दी हुई हैं अलग अलग नंबर्स की, और आपसे पूछा जाएगा कि इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखें फिगर्स में या एंड उसको नंबर नेम लिखा जाए ताकि, और वर्ड्स में जिसे हम कहते हैं वर्ड्स में लिखा जाए नंबर। तो हम इसको करेंगे कैसे, पहले हम इस अबैकस को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको फिगर्स में नंबर कैसे लिखा जाए। तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। वंस प्लेस पे कितने बीट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम वंस प्लेस पे लिखेंगे 6। टेंस पे 1 है, टेंस प्लेस पे लिखेंगे 1। हंड्रेड प्लेस पे 2 है, हंड्रेड प्लेस पे हम लिखेंगे 2। थाउजेंड्स प्लेस पे है 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और 10,000 प्लेस पे है 1, 2, 3, 4, तो ये डिजिट होगी 45,216। अब जब हमें इसका न्यूमरल फिगर या फिगर में हमें नंबर मिल गया तो हम उसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हाट दिस नंबर इज कॉल्ड, 45,216। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 45,216। ओके, सो इसी तरीके से आपको अबैकस दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, वैसे ही आपको बी पार्ट करना है इसका। ओके, पार्ट ए इज दिस वन, बी पार्ट आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो 3 में आपको नंबर दिया हुआ है, मतलब फिगर दिया हुआ है और आपको उसका अबैकस बनाना है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें आपको नंबर दिया हुआ है 53,876 और आपको इसी नंबर को अबैकस में शो करना है। तो हाउ विल यू शो इट? प्लेसेस हमें पता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस। तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट है? 6। तो हमें यहाँ पे 6 बीट्स बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टेंस प्लेस पे कितनी वैल्यू दी हुई है? 7। तो हमें 7 बीट्स बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हंड्रेड्स प्लेस पे 8 नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थाउजेंड्स प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स की रॉड में हम n 2 3 बीट्स डालेंगे। और 10,000 पे 5 नंबर है, तो 10,000 की रॉड में हम 5 बीट्स बनाएंगे। इसी तरह से हमें इसको, एक नंबर को जो कि न्यूमरल या फिगर फॉर्म में है, उसको अबैकस में हम इस तरह शो कर सकते हैं। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन इट, आपको बी और सी अपने आप करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इजी। आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसमें नंबर, और आपको उसको फिगर फॉर्म में लिखना है। इस तरह से आपको वर्ड फॉर्म में नंबर्स दिए हुए होंगे और उसको आपको फिगर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर
फोर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फाइव में टोटली उल्टा है, आपको फिगर फॉर्म में नंबर्स दिए हुए होंगे और आपको उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव इज़ वेरी इजी, विच यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो आप वो करके आप उसको सबमिट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ अ थिंग। मैं आपको उसका नरेट करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, विच नंबर इज फॉर्म इज फोर एंड नाइन आर रिप्लेस बाय जीरो इन द नंबर 3 1 4 7 9। मतलब इस नंबर में अगर हम फोर और नाइन को जीरो से रिप्लेस कर दें, मतलब फोर और नाइन को हटा के जीरो लिख लें, तो कौन सा नया नंबर बनेगा और वो नंबर को आपको फिगर्स में और वर्ड्स में लिखना है। ओके, ये नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप फोर और नाइन को जीरो से रिप्लेस कर दें, अगर फोर और नाइन को जीरो से रिप्लेस कर देंगे तो नया नंबर क्या बनेगा? 3 1 0 7 0। तो ये तो आपका नंबर हो गया, और इसी नंबर को आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेवन में ये पूछा गया है कि विच नंबर इज फॉर्म्ड इफ फोर एंड नाइन आर इंटरचेंज इन द नंबर 4 5 0 8 9। मतलब इसमें फोर और नाइन को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज मतलब जहां पे फोर है वहां पे नाइन लिख दें और जहां पे नाइन है वहां पे फोर लिख दें। तो ऐसा करने से नया नंबर क्या बनेगा? जहां पे फोर है वहां पे नाइन लिख दें, बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे रहेंगे, और जहां पे नाइन है वहां पे फोर कर दें। तो ये आपका नया नंबर बन गया, और इसी नंबर को आपको अब वर्ड फॉर्म में लिखना है। वेरी इजी। ओके, अब बचा क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स? ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ डिजिट्स दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि इन डिजिट्स से लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो उसको कैसे किया जाता है? इफ दे आस्क कि आपको इन डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो आपको इन डिजिट में लार्जेस्ट होता है बड़ा। तो इन डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नाइन। फिर उससे छोटा कौन सा है? एट। उससे छोटा कौन सा है? सेवन। उससे छोटा कौन सा है? थ्री। और उससे छोटा कौन सा है? जीरो। इस तरह से आपको करना है। सपोज करें एक और एग्जांपल लें, सपोज आपको डिजिट दी हुई है 6 8 9 3 एंड 1, और आपसे पूछा जाए कि इससे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो इनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? नाइन। उससे छोटा कौन सा है? एट। उससे छोटा कौन सा है? सिक्स। उससे छोटा 3, और उससे छोटा 1। तो ये लार्जेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट से। ओके, सो नाउ नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्वेश्चंस जो हैं वन सेल्फ प्रैक्टिस वन बी में उसे किस तरह करने हैं। तो आप अब ये एक्सरसाइज करिए बुक में ही, और मुझे ये आप सबमिट करिए। ओके, देन आई विल चेक इट। ओके, थैंक यू क्लास।